साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। ऐसे में जब भी साहित्य की बात की जाती है तो समाज की कमियां और अच्छाइयां दोनों को ही रखा जाता है। लेकिन आज के युद्ध के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता आया है कि आज के युवाओं का भटकाव साहित्य से ज़रूर हुआ है। तो इस भटकाव को वापस से मुद्दे पर लाने के लिए और साहित्य से युवाओं को जोड़ने के लिए आज टाटा स्टील के द्वारा ऑड्रे हाउस में 2 दिवसीय लिटरेरी मीट कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इसमें कई प्रख्यात कवि मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर खासियत यही रही कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मशहूर लेखक शायर जावेद अख्तर साहब के द्वारा की गई। वह खुद मौजूद रहे, युवाओं से रूबरू भी हुए और साहित्य के प्रति जो भटकाव रहा है युवाओं में उस पर भी उन्होंने बातचीत की। आइए आप भी देखें लिटरेरी मीट की कुछ झलकियाँ। I'd like to welcome you all to the Tata Steel Jharkhand Literary Meet in association with Prabhat Khabar. It's a wonderful festival we've lined up for you this year, and I would like to first invite Mr. Chanakya Chaudhary, DPCS Tata Steel, to start proceedings with a few words. एक साल के बाद हम लोग फिर से ये इवेंट के लिए आए हैं। 2017 में हम लोगों ने झारखंड लिटरी मीट का आगमन किया था और ईयर आफ्टर ईयर जब शुरू किया था तो ये सोच के किया था एक बार करते हैं, देखेंगे कैसा रिस्पांस मिलता है टू द लिटरी फेस्टिवल एंड देन वी विल डिसाइड वेदर वी नीड टू कंटिन्यू और नॉट। एंड थैंक यू वेरी मच रांची एंड झारखंड दैट द रिस्पांस, द मोटिवेशन, द एक्साइटमेंट हैज बीन इमेंस एंड विच हैज़ ओनली एनेबल्ड अस टू कंटिन्यू विद दिस इवेंट ईयर आफ्टर ईयर दिस ईयर अगेन। एंड हमारा जो लिटरेरी फेस्टिवल का एक सर्किट रहता है उसका आगमन हमेशा रांची से होता है क्योंकि ये 3 सेक्टर्स में होता है, रांची, भुवनेश्वर और कोलकाता, और रांची से ही हम लोग शुरुआत करते हैं दिसंबर महीने में, देन वी गो टूवर्ड्स भुवनेश्वर एंड कोलकाता। एंड यहाँ पे शुरुआत, जैसे कहते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, सो आप लोगों की तादाद में देखने पर हमको लगता है कि इस बार का जो इवेंट लाइनअप है 2 दिन का, आज और कल, उसका आप लोगों ने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कौन कौन ऑथर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं जो आए हैं और आने वाले हैं, और उसमें सबकी कुछ ना कुछ अपनी पहचान है, कुछ इच्छाएं हैं। आप लोग भी उनसे मिलें, उनको सुने, उनसे बात करें, तो टाटा स्टील को इससे अच्छा और कुछ मौका नहीं मिलेगा कि हाउ डू वी एंगेज विद द कम्युनिटी मोर एंड मोर। हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स भी करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आवर एम हैज़ बीन टू एंगेज मोर एंड मोर ऑन दीज फील्ड्स सो दैट दीज फील्ड्स आर नॉट लॉस्ट। कमिंग टू द इवेंट फॉर दिस ईयर, जावेद साहब आपके सामने हैं, एंड आई मस्ट थैंक प्रभात खबर, आशुतोष जी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई थिंक वी हैव बीन पार्टनर्स इन प्रोग्रेस फॉर दिस लिटरी मीट, एंड होपफुली द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज विल बी वेरी वेरी एनरिचिंग फॉर ऑल ऑफ अस। I must also thank Malvika and the game plan team, which every year puts in a lot of effort to bring in all kinds of subjects together. Also, authors who are renowned, who are also talking about local issues and national issues, and they are also talking about issues which impact all of us as a common citizen of the place. So, thank you very much once again for coming in large numbers, and hopefully through you, your influence groups and friends will be told about how good this event is, and more footfalls will be seen over the next couple of days. So all the best and thank you very much. Thank you, Chanakya. I would like to now invite a person who is behind a lot of the programming we do. Conversations at his office lead to ideas and we get new thoughts about the authors and the themes that should be explored during the festival. So I would like to request Ashutosh ji, Ashutosh Chaturvedi of Prabhat Khabar, to say a few words. Namaskar, aap sabhi ko johar.
क्या बात है, आज तो ठंड थोड़ी सी कम है। जोहार, जोहार। बहुत बहुत आप सभी का इस साहित्य उत्सव में स्वागत है। जावेद साहब, डॉक्टर महुआ मांझी, चाणक्य चौधरी जी, आप सभी का रांची में, झारखंड में हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रभात कवर की ओर से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज महुआ जी के लिए भी एक ताली का अवसर है, आज उनका जन्म दिवस है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। जावेद साहब से प्रभात खबर का रिश्ता बहुत पुराना है। मैं अभी उनसे उल्लेख भी कर रहा था, मैं जब अपने साथियों से इस बारे में चर्चा कर रहा था तो हमारे संपादकीय के वरिष्ठ सहयोगी हैं अनुज सिन्हा जी, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि प्रभात खबर के कार्यक्रम में जावेद साहब आए थे। प्रभात खबर ने एक व्याख्यान श्रृंखला चलाई थी, भारत किधर, और उस व्याख्यान को देने के लिए 22 अगस्त 1993 को जावेद साहब रांची पधारे थे। और मुझे लगता है उसके बाद अब दूसरी यात्रा रांची की है। अनुरोध करूंगा कि बीच बीच में हम लोग कुछ ऐसे अवसर निकालें और जावेद साहब को सुनने का, हम लोगों को उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिलता रहे। साथियों, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि साहित्य के प्रति, किताबों के प्रति एक दिलचस्पी लोगों में कम होती जा रही है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी असर है, पठन पाठन का एक जो रिश्ता होता था उसमें एक कमी आई है। ये साहित्य उत्सव इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि जिससे एक लोगों में उसके प्रति एक रुचि पैदा हो, क्योंकि ये जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पढ़े लिखों की दुनिया है, हो सकता है कि वो बहुत ही छोटी दुनिया हो, लेकिन वो एक प्रभावशाली दुनिया है, बौद्धिक जगत की दुनिया है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये प्रयास भी बहुत कारगर साबित नहीं हो रहे। जाहिर है कि और प्रयास करने की हम लोगों को जरूरत होगी। निश्चित रूप से साहित्य उत्सव इसमें एक अपनी भूमिका निभाते हैं। मेरा मानना है कि इस पठन पाठन के कम होने से विचारधारा के मोर्चे पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी एक पूरी पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी, वो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाती है और जो विचारधारा से जुड़ी हुई जो किताबें हैं उनको न देखकर कुछ व्हाट्सएप वीडियो और उनसे अपनी एक मानस तैयार कर लेते हैं। तो अगर पठन पाठन का दौर होगा तो जाहिर बात है कि वो किसी भी विचारधारा की हो, उन किताबों को अधिक पढ़ेंगे और उसके बाद में वो अपना एक मानस बना पाएंगे। मुझे लगता है कि पठन पाठन इसमें एक बड़ा योगदान दे सकता है। आपने कुछ अरसे पहले देखा होगा, कुछ वर्ष पहले देखा होगा, घरों में एक पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी और जिसको लेकर पूरे परिवार में, लोगों में एक गर्व का भाव होता था कि मेरी ये पर्सनल लाइब्रेरी है, इसमें देखिए साहब ये किताबें हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो पर्सनल लाइब्रेरी अब घरों से गायब हो गई है, उसमें प्याले प्लेट उनकी जगह पर आ गए हैं। और ये एक पूरा टेक्नोलॉजी का असर हमको नजर आता है। जब भी विदेशी पूंजी या टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ से बहुत सारी चीजें भी आती है, एक पूरा वातावरण आता है, एक संस्कृति आती है, उससे आप बच नहीं सकते, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी के बीच में से हम लोगों को एक रास्ता निकालना होता है। हर जगह आप देखिए, दिल्ली और आसपास, मुंबई, इवन रांची में भी बहुत सारे मॉल आपको नजर आएंगे,
लेकिन अब उन मॉलों में अगर आप देखें तो ज्यादातर कपड़े की दुकानें, कॉस्मेटिक्स की दुकानें, जूते की दुकानें दिखाई देंगी, लेकिन उन मॉल में हम एक भी किताबों की दुकान के लिए स्थान नहीं बना पाए। तो वो एक ये गंभीर चिंता का विषय है कि हम मॉल संस्कृति तो विकसित कर पाए हैं लेकिन उसमें किताबों के लिए हम लोग जगह अभी तक नहीं बना पाए। लाइब्रेरी का जैसे मैंने जिक्र किया, पहले एक सार्वजनिक लाइब्रेरी होती थी, कुछ निजी लाइब्रेरियां भी होती थी जिसमें लोग जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन आजकल सार्वजनिक लाइब्रेरीज की हालत आप लोग देख सकते हैं, उनकी खराब है, खस्ता है, किताबें नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस दिशा में अब भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने, प्रभात खबर ने एक बड़ी स्टोरी छापी, झारखंड के एक सज्जन हैं संजय कश्यप, वो लगभग सीमित संसाधनों के माध्यम से झारखंड में 40 लाइब्रेरीज चला रहे हैं जिसमें करीब 20 डिजिटल लाइब्रेरी है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए तालियां एक बार सब लोग। प्रभात खबर ने तो उनको बड़ी स्टोरी की और प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में उनका उल्लेख किया। तो जाहिर है कि अगर प्रयास हम लोग करें तो हम लोगों को सफलता मिल सकती है। और ज्यादा वक्त न लेते हुए अंत में मैं जाने माने रंगकर्मी सफदर हाशमी की किताबों पर लिखी हुई चंद लाइनें गुनगुनाना चाहता हूं। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आशुतोष जी। इट्स वंडरफुल टू नो दैट प्रभात खबर इज टेकिंग सच वंडरफुल इनिशिएटिव्स एंड इज एट द फोरफ्रंट ऑफ ट्राइंग टू रिक्रिएट अ रीडिंग हैबिट अमंग यंगर ऑडियंसेस। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अ वेरी स्पेशल गेस्ट। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई मेट व्हेन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट द टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट, एंड महुआ जी वाज पार्ट ऑफ द इनॉग्रल एडिशन। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैम। Not only is she a member of the Rajya Sabha, for literature lovers around India, she is most special because she's also a Sahitya Academy Award-winning author. She spent a lot of time with one of the most important and one of the most lauded authors of our time, Mahashita Devi, and her thoughts and her views on a changing Jharkhand are reflected in all her novels and her articles. It's very kind of you to spare time during Parliament session, when the session, Parliament is on, for you to come here and speak to us. So over to you, Mahua ji. It's been, thank you once again. Thank you for all the support through these years. Dharti Aba Birsa Munda ke is pavan dharti mein ayojit aaj ke is Jharkhand literary meet mein yahan manch par upasthit Hindi cine jagat कि मशहूर पटकथा लेखक, शायर, बुद्धिजीवी और हम सबके अत्यंत प्रिय आदरणीय जावेद अख्तर जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं और मैं भी सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को कि इन्होंने मेरे दूसरे उपन्यास जो कि झारखंड पर आधारित है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार चिंता होती है कि आखिर हमारे यहाँ क्यों लोग किताबों को पढ़ना कम कर दिए। जैसा कि अभी अभी आशुतोष जी ने कहा कि पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। ये सवाल मैंने एक बार सुनील गंगोपाध्याय जी से किया था, जो कि साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष थे और बांग्ला के बहुत मशहूर उपन्यासकार और कवि हैं। मैंने कहा कि कोलकाता बुक फेयर में इतनी भीड़ होती है, लोग इतना पढ़ते हैं बंगाल में, तो आखिर दूसरे इलाकों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो सुनील दा ने मुझसे कहा था कि बंगाल के बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए खूब अच्छा लिखा, खूब लिखा, तो
तो बचपन में जब पढ़ने की एक आदत पड़ गई तो बाद तक बाद में भी वो कायम रहती है। तो मैं भी कहूंगी प्रकाशकों से और लेखकों से, अनुरोध करूंगी कि आप लोग बच्चों के लिए भी लिखें ताकि बच्चों में आदत पड़े पढ़ने की, और अपनी मातृभाषा में भी वो साहित्य सृजन करें। क्योंकि जैसा कि माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में आप लोग जानते हैं, वो अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे और उस पीढ़ी के थे जब पहली बार अंग्रेजी शिक्षा बंगाल में आरंभ हुई थी। तो वो सोनेट लिखते थे और विदेशों में जाकर जो गुरु से शिक्षा तालीम लेते थे और लिखते थे, तो उन्होंने कहा एक बार, उनके गुरु ने जो कि विश्वविख्यात है, मैं नाम भूल रही हूँ, कि आप अपनी मातृभाषा में साहित्य सृजन करें। और आप देखें ये जो मेघनाद वध महाकाव्य विश्वविख्यात कृति उनकी है, उन्होंने बांग्ला में लिखी और फिर वो पूरी दुनिया में वो किताब मशहूर हुई। और जितने भी बड़े लेखक हैं, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो या अफ्रीकन राइटर हैं एन गुगी वा थ्योंगो और इस तरह के बहुत सारे लोग, पाब्लो कोएलो, सब अपनी अपनी भाषाओं में लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य में भी आजकल अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं बहुत लोग, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें, उसमें भी लिखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया और इतने बड़े आयोजन में मुझे भी आप लोगों के साथ शिरकत करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हाथों में I would now like to invite Javed Saab to speak. There is not much, it's a very difficult task to invite a poet to speak, because whatever you say about him, he is possibly going to, in Javed Saab's case, he's going to kind of tease me about it, and he's of course going to say something far, far superior. देवी और सज्जनों, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि 20 साल बाद आपने फिर मुझे बुलाया, और साथ में आशा भी व्यक्त करता हूं कि फिर 20 साल बाद आप मुझे बुलाएंगे। इसमें मेरी उम्र लंबी होने का एक एंगल है। बहुत अच्छी बातें यहाँ हुई। सच बात तो यह है कि अब और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एक रस्म है कि जो लोग बैठे होते हैं मंच पे उनसे कहा जाता है कि बोलिए, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात अक्सर आती है और उसमें बहुत सच्चाई भी है कि आज उतनी किताबें लोग नहीं पढ़ते जितनी शायद पहले आज से 40 साल 50 साल पहले पढ़ते थे। लेकिन ये कुछ हवा में नहीं हुआ है, इसे हमें समझना पड़ेगा। जिंदगी की रफ्तार जो है बहुत तेज हो गई। 50 साल पहले जब आपको किसी को मैसेज भेजनी होती थी तो आप एक खत लिखते थे जो 3 दिन में पहुंचता था, उसके बाद 2 दिन 3 दिन आदमी वो सोचता था कि क्या जवाब दूँ, फिर उसके बाद वो एक, अगर बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट आदमी था तो 3 दिन बाद वो आपको जवाब लिखता था जो फिर 3 दिन बाद पहुँचता था। तो एक मैसेज और उसका जवाब को 10 दिन लगते थे। आज ये काम 10 सेकंड से कम में होता है। जिंदगी की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है। आप वक्त था जब एक यहाँ इतने बजे समाचार आते हैं, इतने बजे न्यूज़ आती है, आज राउंड द क्लॉक रात के 2 बजे भी आप न्यूज़ सुन सकते हैं। हर चीज़ जल्दी हो रही है, बढ़ रही है स्पीड चीज़ों। आप फिल्म देखने जाते थे, आज ये है कि आप घर में बैठे फिल्म देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन के ऊपर फिल्म देख लेते हैं। ये जो ईमेल है, ये जो ट्वीट है, ये जो एसएमएस है, इसने आपकी ज़िंदगी की रफ्तार को बहुत तेज़, कम्युनिकेशन को तेज़ कर दिया। अब आप म्यूज़िक देखिए, सैगल के समय की म्यूज़िक जो फिल्मों में होती थी, आज जो म्यूज़िक है, हर चीज़ का टेम्पो बढ़ा हुआ। उसमें पहले जो समाज था उसमें ज़रा शांति थी, ठहराव था, इसलिए कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती थी। मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए, और बहुत छुटपन में मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए थे, इसलिए कि उसके अलावा तो कोई आपके पास एंटरटेनमेंट किताबों के अलावा कुछ डाइवर्जन था भी नहीं। अब है, अब तो आप आईपैड पे बच्चे क्या कुछ देखते हैं और सुनते हैं, आज टीवी है, आज तरह तरह के डाइवर्जन है जो पहले नहीं थे।
आपके पास अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, अगर आपको कोई ज़िंदगी में डाइवर्जन चाहिए था, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल के कुछ देखना था, तो किताबें ही थी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में, और ये बता रहा हूँ 11-12 साल की उम्र में, जब मैंने नावल, बड़ी नावल्स पढ़ना शुरू की, तो मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि देखो बेटा, जब तुम कोई क्लासिक पढ़ रहे हो तो शुरू के 40 पेज पेशेंस रखो, 40 पेज के बाद तुम धीरे धीरे उस एटमॉस्फेयर में जाओगे और तुम्हारी समझ में आना शुरू होगा। आज तो कोई 4 लाइन नहीं पढ़ेगा ऐसे। पेशेंस जो है, क्योंकि टेम्पो बढ़ा है तो पेशेंस कम हुआ है कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है। तो आज आप देखिए, जो लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर है, वो आपको पहली लाइन से पकड़ने की कोशिश करता है कि आप पहली लाइन जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया, जो आगे पढ़ो। टेक्निक बदल रही है राइटिंग की भी इसी की वजह से, पोइट्री में लैंग्वेज बदल रही है, उसकी भी अपनी वजह है। तो ये जो हो रहा है, ये कोई हवा में नहीं है। हम, इट्स सैड बट ट्रू दैट वी आर गेनिंग स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ कम होती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन उसमें मैं यंगर जनरेशन को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि यंगर जनरेशन जो है वो इंस्पाइट ऑफ अस, उसमें क्यूरियोसिटी है। हमने उनको ये क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कराई थी जो हमारे माँ बाप ने की थी, हमारी पिछली जनरेशन ने की थी। हम तो कोई दूसरी चीज़ में बिजी थे, हमारे पास वक्त नहीं था ये सब बताने का उन्हें। और बल्कि अगर बच्चा कुछ ज़्यादा नॉवल वॉवल पढ़ने लगे तो लोगों को ठीक भी नहीं लगता है, क्या हो गया, पागल हो गया, क्यों पढ़ रहा है इतना। कोई भी ऐसा काम जो कि फ़ायदे का नहीं हो और आपका इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहा हो, उसको कोई ठीक बात नहीं समझा जाता। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों और अमीर बने, पैसा कमाएं, और वही चीज़ों पे ध्यान दें जिससे कल वो पैसा कमा सकेंगे। तो जब अगर समाज की ये मोरालिटी हो जाए तो बच्चे को आप क्या दोष दे रहे हैं। ये बताइए, बहुत सही बात कही आपने कि घर में लाइब्रेरीज होती थी, अब नहीं होती हैं। मैं आपको इससे भी ज़्यादा ट्रेजिक बात बताता हूँ, और वो सच है, आपको ह्यूमरस लगेगी मगर झूठ नहीं। मैं बॉम्बे में ऐसे भी घर जानता हूँ कि जहाँ पर इंटीरियर डेकोरेटर ने बुक्स खरीदी हैं, इसके बुक्स जो फर्नीचर से और पर्दों से मैच करें। ये सच है कि ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो आती थी, पूरा सेट बड़ा लंबा चौड़ा होता था, वो डीप ब्राउन कलर के लेदर बाउंड होती थी, तो ब्राउन फर्नीचर से बहुत अच्छी जाती थी उसके साथ। तो वो रखी होती थी जिसको उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं खोला होगा। रीडर डाइजेस्ट की सीरियल आती थी तो उनकी स्पाइन जो है एक कलर की होती थी। तो अगर 20 किताबें आप एक साथ रखते हैं किसी रैक पे, उसके बाद एक फ्लावर वाज रख दिए, फिर एक छोटा सा स्कल्पचर रख दिए, तो वो डेकोरेशन के लिए वहाँ होते थे। ये भी हुआ है और होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड क्या है कि मैं देखता हूँ कि किसी भी लिट फेस्ट में जो डोमिनेटिंग नंबर होता है वो यंगस्टर्स का होता है। और वो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आउटिंग के लिए या पिकनिक के लिए आते हैं, ना, पिकनिक इज ऑल्सो एन ऑब्सोलीट वर्ड, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं। मुझे एवरी डे आई गेट एटलीस्ट 5 to 10 मैसेजेस ऑन माई ईमेल कि जो पोइट्री मुझे भेजते हैं लड़के लड़कियाँ, मुझे देख के खुशी भी होती है, गम भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि आई कैन सी देयर पैशन, आई कैन सी देयर इंटरेस्ट इन इट। गम ये होता है कि हाउ लिटिल दे नो अबाउट द क्राफ्ट, बिकॉज एवरी आर्ट हैज़ अ क्राफ्ट। तो वो क्राफ्ट जो है वो तो सीखने वाली चीज़ है। पैशन तो आपके अंदर से आता है, फैंटेसी आपकी अपनी है, लेकिन क्राफ्ट जो है वो सीखा जाता है। वो चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, देर आर स्कूल्स। डांसिंग अगर सब नेचुरल है तो स्कूल की क्या ज़रूरत है। हालांकि कोशिश की गई है, कुछ कोर्सेज बनाए गए हैं, कुछ क्रैश कोर्सेज भी हैं, कुछ बनाए, लेकिन राइटिंग जो है वो मुझे नहीं लगता है कि एक 10 क्लासेस अटेंड करके आ जाएगी। राइटिंग का स्कूल लिटरेचर खुद है। आप जितना पढ़ते हैं, अगर आपको पोइट्री से इंटरेस्ट है तो आप पोइट्री पढ़ें, आपको प्रोज से इंटरेस्ट है तो आप प्रोज पढ़ें। जब आप पढ़ते रहते हैं, ग्रेजुअली द वैक्स मेल्ट्स एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फोनेटिक्स ऑफ लैंग्वेज।
क्या है शब्द? मैं कल ही कह रहा था कि शब्द भी इंसानों की तरह होते हैं, कि जब एक आदमी दाखिल होता है आप उसकी शक्ल सूरत देखते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, मालूम है ये डॉक्टर है, फिर पता चलता है अच्छा ये इंदौर के फला हॉस्पिटल में है, तो फिर इंदौर के तो वो डॉक्टर को आप जानते हैं, आप इन्हें जानते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके उस आदमी का बैकग्राउंड और उस आदमी को एक तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये है वो। उसी तरह वर्ड जो है तो पहली चीज़ जो आपको उसकी टच करती है वो उसकी फोनेटिक्स है, फिर उसकी मीनिंग वर्ड का वोकेशन। जैसे किसी का काम है इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, कोई राइटर है, कोई जर्नलिस्ट है, वैसे हर वर्ड का एक काम है कि ये चीज़ की मीनिंग आप बताएंगे। मगर सिर्फ वोकेशन तो आदमी नहीं होता है, तो सिर्फ वोकेशन वर्ड भी नहीं होता। वर्ड इज ऑल्सो नोन बाई द कंपनी द वर्ड हैज केप्ट। ये कहाँ इस्तेमाल होता रहा है, किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसकी एसोसिएशन है। आपको कोई साइकाइट्रिस्ट बताएगा कि एक वर्ड जो आप सुनते हैं, वेदर इट्स अ नाउन और अ वर्ब, इट क्रिएट्स सम 30-40-50 रेफरेंसेज इन योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस, एंड इफ द रेफरेंसेज इज राइट यू लाइक द वर्ड, इफ दे आर अनप्लेजेंट समहाउ यू डोंट एसोसिएट विद इट। वो बात कि ये एसोसिएशन इसकी क्या होंगी वो आपको पढ़ने से आता है। पर्टिकुलरली अगर आप पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं, रीड पोइट्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ पोइट्री एंड बाय हार्ट इट। सिर्फ पढ़ने से भी नहीं, वो आपको याद होनी चाहिए पोइट्री। जब आपको याद होती है तो आप उसके रिदम को, उसके राइम को समझते हैं, उसकी मीटरिंग को समझते हैं, उसके फोनेटिक इफेक्ट को समझते हैं। दे आर टू काइंड ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड होते हैं जिनमें आप पैलेट इस्तेमाल करते हैं, टा ढा, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी सांस से मैनेज होते हैं, एहसास, महसूस। नाउ दीज आर लाइक थिन पेपर्स, दोस वर्ड्स आर लाइक पेपर वेट्स। तो अगर सिर्फ थिन पेपर एक लाइन में होगा तो उड़ जाएंगे, तो उसे बैलेंस करना होगा कि करेक्ट पेपर वेट्स भी हों। अच्छा, पेपर वेट अगर एक तरफ हो गए और थिन पेपर एक तरफ हो गए तो भी डिसबैलेंस है। ये बैलेंसिंग, ये नहीं है कि जो बड़े राइटर होते हैं सोच के इसको ऐसे कर दूँ ऐसे, इट कम्स इन द इंस्टिंक्ट, इट बिकम्स देयर सेकंड नेचर। अब जब 120 और 130 माइल्स की स्पीड से बॉल आ रही है विराट के ऊपर 22 गज से, तो विराट उसको खड़े होकर सोचता थोड़ी है, क्या मुझे फॉरवर्ड चला जाना चाहिए, या मैं ऐसा करूँ कि इस बॉल को छोड़ ही दूँ, या मैं इसे ब्लॉक करूँ पीछे, इतना वक्त नहीं है। वो उसका इंस्टिंक्ट है जो उसने अपने आप को ट्रेन किया है, तो फौरन फैसला हो जाता है क्या करना है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अचीव इन राइटिंग ऑल्सो, चॉइस ऑफ योर वर्ड, एंड दैट यू ओनली अंडरस्टैंड बाय रीडिंग कॉन्स्टेंटली गुड राइटर, बिग राइटर, एंड कोटिंग देम एंड रिमेंबरिंग देम बाय हार्ट। तो धीरे 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 वो वर्ड्स जो हैं आपके शब्दकोश का हिस्सा भी बनते हैं, बिकॉज यू नीड अ बिग वोकैबुलरी टू राइट, और आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका धर्म क्या है, हर वर्ड का एक धर्म है, एक मिजाज है, उसकी एक हिस्ट्री है, वो आपकी समझ में, और उसकी एक साउंड है, वो साउंड उसका फिजिकल अपीयरेंस है, तो ये सब समझ में आता है। तो आज के जो बच्चे हैं वो नो थैंक्स टू अस, हमने नहीं उन्हें सिखाया, हमने उन्हें नहीं बताया, हमने उन्हें टेम्प पे नहीं किया। चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट यू डू। उन्होंने अपने घर में अगर किताबें नहीं देखी हैं, अगर उन्होंने अपने माँ बाप को किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में जाते नहीं देखा, अगर उन्होंने कभी एक दूसरे को जो बड़े हैं घर के पोइट्री सुनाते नहीं सुना, उन्हें क्यों इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होगी। हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद है, कमाल की बात तो ये है। Hats off to them. जो बीत गया है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज इट इज़ आप चाहें वापस आ जाएं तो वो नहीं होने वाली हैं और कभी होती नहीं है। और ये शिकायत हमें अगली जनरेशन से हमेशा रहती है कि देखिए अब इनमें ध्यान नहीं रहा है, ये जो है पेशेंस इनमें कम हो गया है। आप गूगल कर लीजिएगा 320 BC, that was the time when Aristotle was there.
अरिस्टोटल ने लिखा है कि ये अगली जनरेशन में कोई ध्यान ही नहीं रहा, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं इन लोगों में ये, और कोई मैनर्स और कोई तरीके और कोई ट्रेडिशन ये समझते नहीं। तो ये 3,500 साल से अगली जनरेशन से शिकायत चल रही है, तो लेट अस टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये कोई नई बात नहीं है, मेन बात ये है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल रहे हैं, जो कि हम लोग को, मेरी जनरेशन को या मुझसे भी थोड़े छोटे जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है। हम लोग के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। मतलब ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज से कुछ 25-30 साल ज़्यादा बल्कि 40 साल पहले वो फ़ोन आते थे जो ऐसे गोल बड़े से एक मेंढक जैसे होते थे खूबसूरत से, और यूँ उठाइए तो नीचे उनका होता था आप बटन दबाइए, उसमें वो जो पुराने फ़ोन हुआ करते आपने दबाया वो नहीं होता था बल्कि आप बटन दबा दीजिए। एक सीनियर आए थे जो अब मेरी एज है उस एज के रहे होंगे, ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, भाई क्या अपनी चीज़ें रख लिया, हम टेलीफोन क्यों नहीं रखते हैं नॉर्मल। तो ऐसे ही हमारा भी है, अभी जो नई चीज़ें वो तो हमें डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन सच बात यह है कि नाउ यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हो सकता है ट्रेडिशन किताबें उस तरह से ना पढ़ी जाए, कुछ लोग फिर भी पढ़ेंगे वो उठा के, उसका अपना मजा है पेज पलटने का, सीने पे रख के सो जाने का, फिर उठ के पढ़ते रहने का, लेकिन वो किंडल पे पढ़ी जाएंगी, वो उनके लैपटॉप पे पढ़ी जाएंगी, वो उनके दूसरे जो सोर्सेज हैं इवन फ़ोन पे पढ़ लेते हैं लोग, गूगल कर लेते हैं चीज़ें। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले 22 साल पहले मुझे जब कभी बोलना होता था किसी टॉपिक पे तो कुछ डेटा होता है जो हमें नहीं याद रहता या मालूम नहीं होता, पता लगा तो फिर मैं सोचता था, वो दोस्त को फ़ोन करता हूँ वो इस टॉपिक में PhD कर रहा है, उसको ये इस बारे में कुछ तो पता होगा, तो फ़ोन करके उससे आज मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर, सिर्फ बटन दबाने हैं और देख लो, चेंज हो गया। तो ये जो है, फिर देर इज़ अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम दैट इज़ ऑडियो विजुअल सिनेमा, तो सिनेमा भी धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ प्लेस इन इटसेल्फ इन लिटरेचर। अब जो थिएटर है, ये जो सारे के सारे हम पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, हम शॉ को पढ़ते हैं, हम इतने बड़े बड़े राइटर जो हैं, ये स्टेज प्लेज है ना जो उन्होंने लिखे हैं, तो क्या वजह है कि इन फ्यूचर स्क्रीन प्लेज लिटरेचर का हिस्सा नहीं होंगे? होना ही चाहिए, सिनेमा विल गेट मोर एंड मोर मैच्योर। और जो अभी ये OTT आया है, जो इस तरह की चीज़ें आई हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी टू सिनेमा कि भाई अगर आप निश ऑडियंस के लिए भी कुछ बनाना चाहते हैं तो वो वायबल है, वरना इतने बड़े बड़े थिएटर थे उसमें आके एक वक्त में 3,000 आदमी अगर पिक्चर ना देखें दिन में 3 बार तो आपकी पिक्चर फेल हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने आपको, टेक्नोलॉजी से झगड़ा मत कीजिए आप हार जाएंगे, टेक्नोलॉजी से दोस्ती कीजिए और सोचिए कि इसको अपने फेवर में कैसे यूज़ किया जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी विल ऑफर यू, लेकिन अब तो देखिए मोबाइल फ़ोन पर लोग फिल्में बना लेते हैं, तो ये जो सब डेवलप हो रहा है इससे हमारे जो स्क्रीन प्लेज हैं दे विल बिकम मोर लिटरेरी, मोर रियलिस्टिक, मोर नियरर टू लाइफ, और दैट विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। ये सारे प्लेज ऑस्कर वाइल्ड के, शॉ के से लेकर सारे के सारे जो स्टॉपर, टॉम स्टॉपर, ये सब प्लेज है ना, तो अगर स्टेज प्लेज लिटरेचर का हिस्सा बन सकते हैं, और ये तो खासतौर से शेक्सपियर ने तो बिल्कुल कमर्शियल राइटिंग की थी, शेक्सपियर को मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल ख्याल नहीं था कि 450 साल बाद हम उसकी बात कर रहे होंगे, उसे तो अपना थिएटर चलाना था। तो उसी तरह से लिटरेचर जो है, अच्छा हुआ मुझे सोचने का मौका मिल गया, वो अपने डिफरेंट चैनल्स ढूंढेगा। ये तो कभी समय आ ही नहीं सकता है कि आदमी कहानियां सुनना बंद कर दे, कहानी सुनना जो है वो होमो सेपियन के ब्लड में है, कहानी नहीं इंसान को जानवर से इंसान बनाया है, जब वो कहानी कह सकता है। कहानी का मतलब ये है कि उसने जो पीछे हुआ था या होना चाहिए था वो याद रखा,
और उसको उन इंसिडेंट्स को एक ऐसी चेन में बांधा कि उनका एक ब्रिज बन गया जो यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म होता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट ह्यूमन बीइंग हैड टेकन टुवर्ड्स सिविलाइजेशन. हिस्टोरिक वो कभी नहीं जाएगी, वो हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है, डीएनए में है, वो रहेगा. सुनाने के तरीके बदलते रहेंगे. फिर दो फॉर्म्स हैं लिटरेचर के भी. एक जैसे बेकन ने कहा है कि बुक फॉर द इयर्स एंड बुक फॉर द आवर्स, उसी तरह लिटरेचर में भी ये है कि एक बड़े ऑडियंस के लिए, मजमे के लिए है, और एक जो है वो ज़्यादा डिवेलप स्टैटिक के लोग उनके लिए है, और होना भी चाहिए. देखिए यहाँ तो राज्यसभा की मेंबर बैठी हैं, वो मुझसे बेहतर जानती होंगी. जब कोई भी पढ़ा लिखा लीडर, थोड़ा सा आपको इसमें ऑक्सीमोरॉन लग रहा होगा लेकिन फिर भी एक सेमिनार में बोलेगा तो उसकी वोकेबलरी, उसका डिक्शन, उसका मेटाफर अलग होगा. वही बात जब वो एक 50,000 के मजमे से बोलेगा तो दूसरी तरह से बोलेगा, दूसरे सुर में बोलेगा, दूसरी लैंग्वेज में बोलेगा, दूसरे मेटाफर में बोलेगा. उसी तरह आर्ट भी है. आर्ट फॉर द पीपल, आर्ट फॉर द पेटेंट. कि ये सबके लिए नहीं है भाई, जो डेवलप टेस्ट है, जिन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद है वो देख लें. ये जो है सबके लिए है, एक कॉमन लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ये सबके लिए है. हालांकि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हमारा है, ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है फिल्म इंडस्ट्री में, एंड दैट इज़ वन लाइसेंस टू बी क्रूड एंड वल्गर एंड वॉट एवर. ये नहीं है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. You can be decent, you can be sensible, you can be sensitive, you can be meaningful without being difficult. You can communicate on that level. और एक अच्छा स्पीकर ऑरेटर जो है वो ये करता है, सेमिनार में दूसरी तरह से बोलता है, और जो पब्लिक मीटिंग है उसमें दूसरी तरह से बोलता है. उसी तरह आर्ट्स है. लेकिन एट द सेम टाइम हमारा फर्ज, आर्टिस्ट का भी कुछ फर्ज है, वो चाहे सिंगर हो, म्यूजिशियन हो या राइटर हो. हम भी उनके पेशेंस को नहीं आजमा सकते. मैं वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मैं ये दिल से बिलीव करता हूँ कि जो यंगर जनरेशन है वो मेरी जनरेशन से बेहतर इंसानों की है. उनके वैल्यू सिस्टम बेहतर है. दे आर मोर फेयर पीपल, दे आर मोर जस्ट. उनके अंदर जो रिस्पेक्ट है फॉर द जेंडर और द पीपल अदर देन देमसेल्फ, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, उनमें ज़्यादा है. उनके बायसेस अगर हैं तो हमारे दिए हुए हैं, हमने उन्हें ये जहर घोला है उनमें, और उनमें जो अच्छाई है वो उनकी अपनी, कोई शक नहीं. इसलिए कि वो अच्छाई हमें नहीं, तो वहाँ तो खुद ही उन्होंने कमाई होगी. तो मैं फ्यूचर से मायूस नहीं हूँ. ज़रूर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज होगा, लेकिन हर चीज़ का मीडियम. अब देखिए, पहले ज़माने में एक मरता नेहरू जी थे वहाँ हैदराबाद में, उन्हें मालूम हुआ बड़े गुलाम अली खां भी वहाँ हैं, तो उन्होंने मैसेज भेजी कि खान साहब आप यहाँ हैं, बड़े बरसों से सुना नहीं आपको, तो मेरे पास 2 घंटे खाली हैं, आप सुना दीजिए अगर हो सके तो. तो वो ज़माने में आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया. उनका साहब 2 घंटे तो मुझे गला गरम करने में लगते हैं, फिर जब आप फुर्सत हो तब सुनिएगा, लेकिन अब आप 2 घंटे गला नहीं गर्म कर सकते, वो टाइम नहीं है किसी के पास. तो कहीं हमें ये जो पूरे, जैसे हम राग, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट पे हो या गाने में हो, उनको आपको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको सब तक पहुँचना है. अब ये कहिए तो ऐसा लगता है कि पाप हो गया, आपने किसी होली बुक में चेंजेस बता दिए, हालांकि मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि बताऊं. तो ये क्या है भाई, आप आधे घंटे तक सिर्फ अलाप लेते रहेंगे वो नहीं चलेगा. आप पूरा राग यहां से शुरू कर ध्यान रखा, आप 10 से 12 मिनट में सुनाइए, बिगनिंग से एंड.
इतना तो ले लेगा आदमी, लेकिन अब आप कहें कि डेढ़ घंटे में हम आपको सुनाएंगे तो वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल एक सेक्रेट चीज बना के आर्ट को आप बैठे, ये तो साथ नहीं होगा, ये हम चेंज नहीं कर सकते। अपना कीजिए, आप अपसेट हो जाएंगे। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और बदलती रही हैं, पहले बदली होता है क्या है कि हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दो तरह के लोग हुए हैं, जो कि पीपल हु आर ओपन टू चेंजेस एंड पीपल हु आर नॉट। वो जहां तक बात आई है बस सोचते थे अब यहीं रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना। और ये इसलिए कि इसमें हम हैं, तो हमसे आगे और हमारी बात से आगे कोई चीज हो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। देयर आर सम पीपल हु बिलीव दैट नथिंग शुड हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई चीज पहली बार नहीं होनी चाहिए भाई, दूसरी बार कर लो। अब भाई कोई तो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा ना, कुछ तो चेंजेस आएंगे। एक जमाना था हारमोनियम जो था वो बिल्कुल एक अशुद्ध था, हराम था, वो क्लासिकल में आ गया धीरे धीरे झक मार के। शहनाई बाहर थी, संतूर बाहर था, ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं माने जाते, मान लिए गए। ठुमरी और ख्याल क्या है, इसको कहाँ इज्जत थी शुरू में, हो गई। चीजें बदलती हैं वहाँ भी, क्लासिकल वर्ल्ड में भी, लिटरेचर में भी। आप आज भी कहें कि हम वही जबान इस्तेमाल करेंगे जो 50-60 साल पहले थी पोइट्री में भी, तो कौन समझेगा। जबान बदल रही है और उसे बदलना चाहिए। जबान जो है कोई पॉन्ड या लेक या तालाब नहीं है, लैंग्वेज इज अ रिवर, वो चलती रहेगी आगे, बदलती रहेगी, उसमें अजब अजब चीज़ें शामिल होती रहेगी। जबान एक हमारे और चीज़ है, प्योर लैंग्वेज, शुद्ध होनी चाहिए भाषा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वो छपता है ऑक्सफोर्ड प्रेस से डिक्शनरी, तो अपने प्रेफेस में लिखते हैं कि इस बार हमने 50 वर्ड और बढ़ाए, इस बार भी बढ़ाए। हमारा ये शौक है कि इस बार तो हमने 100 वर्ड निकाल दिए अपनी लैंग्वेज। अगर आप ऐसे वर्ड निकालते रहेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज को मार डालेंगे। लैंग्वेजेस जिंदा वही होती हैं जिनमें नए नए शब्द आते रहे, अलग अलग सोच से उन्हें आप अपनी तरह इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए हमारी भाषा में ये तो बीच में पाकिस्तान अब आ गया, वरना नेबर हमारा ईरान था, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ गई हैं। मतलब उनके पास एक होली का सब्स्टिट्यूट है जो उन्होंने अपनी तरह से बनाया है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आई हैं। नेक्स्ट डोर नेबर थे, इट वॉज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड कल्चर एंड इट इज़ स्टिल। तो ठीक है, वहाँ अभी जो बैठे हैं वो बैठे रहें, बहुत दिनों तो नहीं रहेंगे। कल्चर जो है वो आउटलिव करता है रिजीम्स को और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, ये इनसे घबराना नहीं चाहिए, जो कल्चर है वो चलता रहेगा। तो हमारी जबान में कितने वर्ड है पर्शियन के, हम बात ही नहीं कर सकते पर्शियन वर्ड इस्तेमाल किए हुए, और हमें मालूम भी नहीं है कि पर्शियन के। हवा, जमीन, आसमान, दोस्त, दुश्मन, बच्चा, अभी आप बच्चे को क्या कहेंगे, मेरा बाल नहीं कहेंगे आप, लोग कंगी करने लगेंगे आप सबके बाल। बच्चा है अभी सपोजिन वर्ड, सो व्हाट। लेकिन हमने इन वर्ड्स को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे और अपनी सिंटेक्स और अपने ग्रामर पे लिया है। जैसे कि बच्चा तो पर्शियन है, बच्चे पर्शियन नहीं है, बच्चों पर्शियन नहीं है, हवा तो पर्शियन है, हवाएं पर्शियन नहीं है, हवाओं पर्शियन नहीं है। तो हमारे यहाँ जिस तरह प्लूरल करते हैं, हमने उन वर्ड्स को लेके उनके प्लूरल वैसे बनाए, उनको जिस तरह से यूसेज जो है वो हमारा, और वो हमारा। अब हम कहें हम ये वर्ड निकाल देंगे, ये तो हवा है नहीं साहब, इसको तो आप वायु कहिए। चलिए अब कहते झूठे लगेंगे, आज कुछ ज्यादा ही तेज वायु चल रही है, ठीक लगेगा, और तेज भी नहीं बोल सकते, वो भी फारसी का। तो ये सब जो एटीट्यूड है, ऐसे अंग्रेजी के वर्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ, अब उसको ये निकाल दो भाई, क्या जमाने बोलने लगे हैं, और पांच वर्ड के तो इंग्लिश के होते, ठीक है रख लो, अपना बना लो उन्हें अपनी तरह से, और करते ही लोग। अभी देखिए हमारे दोस्त इतने बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा ना कि मॉलों में दुकानें नहीं होती, तो मॉल को मॉलों कर लिया ना इन्होंने, तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो भाई दोस्तों यही सब बातें हैं, अब तो पता नहीं कहाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि बात क्या हो रही थी।
तो मैं एंड में यही कहूंगा कि मैं ना नेक्स्ट जनरेशन से मायूस हूँ और ना लैंग्वेज से और पोएट्री से लिटरेचर. दे विल सर्वाइव इन अ डिफरेंट मैनर, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उससे डरने की बात नहीं है. थिंग्स आर चेंजिंग, वो हमेशा बदलती हैं. तो कुछ थोड़ा सा जब आप एक पुराना स्ट्रक्चर तोड़ते हैं तो एक डेबरी का ढेर तो लगेगा ना भाई. डेबरी है थोड़ी सी, अभी वो ख़त्म हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी ज़िंदगी. ये हमेशा होता रहा है. और हर जनरेशन को शिकायत रही है कि लैंग्वेज की और तहजीब की, संस्कार की, ये शिकायतें सब जनरेशन करती रही हैं. उसका कुछ मतलब नहीं है. ज़िंदगी हम रोएं हंसें गुस्सा करें, ज़िंदगी तो चलती रहेगी और आगे ही जाएगी. बहुत से लोग आज उसे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी की थी, होता नहीं है, ये पहिया आगे ही जाएगा. थैंक यू. प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं.